मॉर्निंग बच्चों, कल हमने हिंदी के थर्ड चैप्टर के शब्दार्थ को लर्न किया था। आज हम हिंदी के थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौखिक प्रश्न। ये ओरल क्वेश्चन है, आपको इनका आंसर ओरल ही देना है। तो क, हिमालय किस प्रकार हमारी रक्षा करता है? हिमालय हमारी रक्षा उत्तर से आने वाली ठंडी और बर्फीली हवाओं से करता है। तो हिमालय किस प्रकार हमारी रक्षा करता है? हिमालय उत्तर से आने वाली ठंडी और बर्फीली हवाओं से हमारी रक्षा करता है। सेकंड क्वेश्चन, हिमालय से निकलने वाली नदियों से हमें क्या क्या लाभ मिलता है? हिमालय से निकलने वाली नदियों से हमें क्या क्या लाभ है, बताइए जरा। हिमालय से निकलने वाली नदियों से हमारे खेतों की सिंचाई होती है, जिसके कारण खूब अनाज, सब्जियां और फल उत्पन्न होते हैं। तो आंसर क्या हुआ? हिमालय से निकलने वाली नदियों से हमारे खेतों की सिंचाई होती है, जिसके कारण खूब अनाज, सब्जियां और फल उत्पन्न होते हैं। थर्ड, हिमालय पर किन किन फसलों की खेती होती है, जल्दी बताइए आंसर क्या है इसका। हिमालय पर चावल और मक्का की खेती होती है। नेक्स्ट, एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन पहुंचे थे? ये तो इजी है, जल्दी बोलिए। एवरेस्ट पर सबसे पहले तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी नामक पर्वतारोही पहुंचे थे। एवरेस्ट पर सबसे पहले तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी नामक पर्वतारोही पहुंचे थे। नेक्स्ट, यदि हिमालय ना होता तो क्या होता? यदि हिमालय ना होता तो क्या होता? हमारे देश की मुख्य नदियां हिमालय में उत्पन्न होती हैं और हिमालय पर ही अनेक तीर्थ स्थान हैं। यह भी हमने चैप्टर में पढ़ा था। अगर हिमालय ना होता तो हम सब इन सुविधाओं से वंचित रहते, है ना? तो हिमालय ना होता तो हम नदियों और तीर्थ स्थानों और पहाड़ों से क्या रहते? वंचित रहते, है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? MCQs। तो ये तो इजी होते हैं, इनका आंसर आप जल्दी से मुझे दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, हिमालय हमारे देश की किस दिशा में स्थित है? हिमालय हमारे देश की किस दिशा में स्थित है, बताइए। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, किस में स्थित है? आंसर क्या है इसका? उत्तर में। नेक्स्ट, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, केटू या कंचनजंगा? कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? आंसर क्या है इसका? एवरेस्ट। नेक्स्ट, हिमालय का क्या अर्थ है? बर्फ का भंडार, बर्फ का घर या बर्फ की नदी? हिमालय का क्या अर्थ है? बर्फ का घर। नेक्स्ट, हिमालय के ऊंचे भागों पर किसके वन हैं? देवदार और चीड़, आम और सेब, नारियल और रबड़, बताइए मुझे किसके बाग हैं? आंसर क्या है? देवदार और चीड़। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ये क्या है? लिखित प्रश्न, आपको इनके आंसर रिटन में देने हैं। हिमालय को भारत का गौरव क्यों कहा जाता है, बोलिए। हिमालय पर अनेक तीर्थ स्थान हैं, जिससे देश विदेश के प्रतिवर्ष
लोग या अनेक तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, इसलिए हम हिमालय हमारे देश का गौरव है। हिमालय पर अनेक तीर्थ स्थान हैं जिससे देश विदेश के प्रतिवर्ष अनेक तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, इसलिए हिमालय हमारे देश का गौरव है। ठीक, नेक्स्ट, संसार में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है बताइए। आपके चैप्टर का क्या नाम है? हिमालय। तो संसार में सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं बताइए। हिमालय से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज आदि नदियाँ निकलती हैं। हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज। नेक्स्ट, हिमालय पर लोग किस प्रकार की खेती करते हैं बताइए। हिमालय पर लोग सीढ़ीदार खेतों में खेती करते हैं। हिमालय पर लोग सीढ़ीदार खेतों में खेती करते हैं। नेक्स्ट, हिमालय पर स्थित कुछ तीर्थ स्थानों के नाम बताइए। तो बताइए मुझे जल्दी से। हिमालय पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे अनेक तीर्थ स्थान हैं। कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। नेक्स्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। बोलिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी